Good morning to all my dear students. I hope you all are fine and doing the work in proper way. So we have done the exercise 6.2 and 6.3. We have already discussed the only first question with exercise 6.2. So today we will discuss beta exercise 6.3. Next question. Next question kya hamara? Second question. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? एडिशन था. यहाँ इस क्वेश्चन में भी क्या करना हमें? ऐड करना है. अब स्टेटमेंट क्या है? ₹761.50 एंड 220 पैसे. हमें इनको क्या करना है? ऐड करना है. अब वन नंबर इज गिवन इन डेसिमल बट सेकंड नंबर इज गिवन इन ओनली पैसे बट नॉट गिवन इन द डेसिमल. तो यहाँ पे हमें जो पैसे है एक नंबर रुपीज में एक नंबर पैसे में, तो दोनों को क्या बनाना पड़ेगा हमें? रुपीज. सो वी ऑल आर नो इन 100 पैसे, 100 पैसे क्या होता है बेटा? रुपीज 1. और 1 पैसा क्या होता है? रुपीज 1/100. और कितने पैसे हमारे पास? 220 पैसे. सो 220 बाय, अगर हम 100 कर देते हैं तो क्या बन जाते हैं वो? रुपीज. तो क्या बन गया ये? रुपीज 2.20. अब हमें क्या करना है इन दोनों नंबर्स का? ऐड करना है. कैसे करेंगे हम? रुपीज 761.50 एंड रुपीज 2.20. दोनों का जो डेसिमल है वो सेम, एक ही डिस्टेंस, एक ही प्लेस पे होना चाहिए. डेसिमल के साथ आपके डेसिमल मैच करने चाहिए ऐसे. सो क्या करना हमें? ऐड करना है. ऐड मीन्स प्लस. सो 0 + 0 व्हाट विल कम? 0. 2 + 5 व्हाट विल कम? 7. नाउ डेसिमल, सो वी हैव टू पुट डेसिमल. 1 + 2 व्हाट विल कम? 3. नेक्स्ट क्या है? 6. और नेक्स्ट क्या है? 7. सो विच आंसर वी गॉट? 763 रुपीज 70 पैसे. या रुपीज कितने? 763.70. जो पैसे होते हैं वो हमेशा 2 डिजिट्स में होते हैं. अगर 3 डिजिट्स में आ गया तो जो 3rd डिजिट है आपका वो क्या है? रुपीज है. सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ भी क्या है? ये नंबर क्या है? पैसे में गिवन है. ये नंबर हमें रुपीज और पैसे दो यानी कि डेसिमल के साथ ही गिवन है. तो 890 पैसे क्या हो जाएगा? हमें ये पता है कि जो नंबर पैसे में गिवन है तो 1, 2, 2 डिजिट के बाद जो पॉइंट लगाते हैं हम, इधर वाला जो 3rd डिजिट है वो 3rd ऑनवर्ड्स, जो 3rd, 4th, 5th आगे वाले डिजिट हैं वो क्या है? रुपीज़ है. तो 890 पैसे क्या हो जाएगा? 890 बाय, अगर हम 100 कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रुपीज़ में. तो रुपीज़ कितने आ गए हमारे? 8.90. ओके. नाउ अब हमें क्या करना है? एडिशन करना है. किस किस का? रुपीज़ 596 रुपीज़ 80 पैसे का, और किसका? 8 रुपीज़ 90 पैसे का. वो था नाउ इन रुपीज. नाउ वी हैव टू डू द एडिशन. एडिशन यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ. नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, 3rd पार्ट. 4 किलोग्राम 250 ग्राम, 2 किलोग्राम 90 ग्राम और 19 किलोग्राम 3 ग्राम. इन 1 किलोग्राम हाउ मेनी ग्राम्स? 1000. इट मीन्स जो ग्राम से किलोग्राम होता है वो 3 स्टेप्स का डिफरेंस होता है. इट मीन्स जब हम यहाँ किलोग्राम लिखेंगे और ग्राम लिखेंगे, या फिर हम उसको क्या लिख देंगे? डायरेक्टली किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें डेसिमल के साथ नंबर लिखना है, हमें ऐसे एडिशन नहीं करनी है. सो 4 किलोग्राम 250 ग्राम तो क्या बन जाएगा? 4.250 किलोग्राम. और ये क्या बनेगा? 2.90 by 1000 होएगा ना, 2 किलोग्राम और 90 by 1000. अगर 90 by 1000 कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? किलोग्राम. नाउ नेक्स्ट, एंड 19 किलोग्राम, और इसको भी अगर हम ग्राम किलोग्राम बनाएंगे तो 3 by 1000 क्या बन जाएगा? अब ये भी किलोग्राम. तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा? 4.1
250 किलोग्राम, 2.123 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए ना हमारा, 1, 2, 90 by 1000 से, तो थर्ड प्लेस क्या हो जाएगा, 0 किलोग्राम। और नेक्स्ट नंबर क्या है, 19.3 by 1000, सो 1, 2, 3 कौन से प्लेस पे आना है, थाउजेंड्स प्लेस पे, तो टेंथ हंड्रेड्स थाउजेंड्स, थ्री कौन से प्लेस पे, थाउजेंड्स, टेंथ जीरो हंड्रेड जीरो, और क्या है ये, किलोग्राम। देन व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना है, एडिशन करना है इनका नंबर्स का, ओके। और आंसर किस में आएगा हमारा, किलोग्राम में। सो 0 + 0 + 3 व्हाट विल कम, 3, 2 times 0 है, 1 times 3 है, तो ऐड किया तो क्या है बेटा, 3, 5 + 9, 5 में 9 ऐड किए, 14, 14 में 0 ऐड किया, 14, 14 के लिए हम क्या लिखेंगे, 4, कैरी कितना जाएगा हमारा, 1, 2 और 1 कैरी, 3, 3 + 0, 3, 3 + 0, 3, नाउ डेसिमल, डेसिमल, नाउ 4 + 2, 4 में 2 ऐड किए तो क्या आएगा बेटा, 6, और 6 में 9 ऐड किए तो 6 + 9, 15, 15 के लिए 5, 1 carry, 1 और 1 carry, 2, तो which answer we will got, 25 kilogram, 343 gram, जो decimal से इधर है, right side है, sorry left side है, वो किलोग्राम है, और जो right side है वो क्या है, ग्राम है, left side किलोग्राम, right side ग्राम, understand? Now next part है 80 meter 25 centimeter, 9 meter 6 centimeter, अब हमें ये पता 1 meter में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, इट मीन्स 100 सेंटीमीटर से क्या बनता है बेटा, 1 meter, 100 सेंटीमीटर से क्या बनता है, 1 meter, तो जो सेंटीमीटर है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 के साथ, 1 centimeter इज इक्वल टू 1/100 meter, सो क्या बन जाएगा हमारा, 80 meter 25 by 100, अब ये भी क्या बन गया, मीटर, प्लस 9, कोमा लगा लो या प्लस भी लगा सकते हैं क्योंकि ऐड ही करना है, 9 meter 6 by 100 meter एंड 778 by 100 meter, सभी को हमने 100 से डिवाइड किया तो क्या बन गया, वो सारे के सारे नंबर्स क्या बन गए हमारे, मीटर में कन्वर्ट हो गए। तो अब नाउ वी हैव टू डू एडिशन, 80.25, क्योंकि 2 ही जीरो है, 2 ही डिजिट्स हैं, मीटर, 9.12, 6 कौन से प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे, तो टेंस प्लेस क्या बनेगा, 0 meter, अब 778 by 100, 1, 2, 2 के बाद डेसिमल आएगा, तो डेसिमल कहाँ आएगा हमारा, दोनों 7 के बीच में, यहाँ डेसिमल और 7, 8, तो ये वाला 7 क्या बन जाएगा, मीटर, मीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ विच इज लेफ्ट, एडिशन इज लेफ्ट, सो सम यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ, एडिशन आपको करनी है बेटा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्या है, 45 degree Celsius, क्वेश्चन सेम, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे, बट हमें ये क्वेश्चन किसने गिवन है, हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है, 45 डिग्री सेल्सियस प्लस 52.2 डिग्री सेल्सियस प्लस 32.6 डिग्री सेल्सियस, तीनों नंबर क्या है, डिग्री सेल्सियस में गिवन, हमें इनका क्या करना है, प्लस, कोमा का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है, सो 45, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, यहाँ भी कितने हैं, 1, यहाँ नहीं है, तो लाइक बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, 45.0 डिग्री सेल्सियस, 52.2 डिग्री सेल्सियस, 32.6 डिग्री सेल्सियस, और फिर क्या करना है, हमें ऐड करना है, एडिशन, यू ऑल आर नो हाउ वी हैव टू डू द एडिशन, सो एडिशन यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ, ओके बेटा। और आंसर किस में आएगा आपका, जो आंसर आएगा डिग्री सेल्सियस में, अंडरस्टैंड? सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंप्लीटेड।
क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में क्या था बेटा? एडिशन था. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या उसमें क्या है? डिफरेंस. फाइंड द डिफरेंस. और जहाँ पे डिफरेंस वर्ड आता है, इट मीन्स क्या करना है हमें? टू नंबर्स का डिफरेंस निकालना. इट मीन्स हमें क्या करना है? टू नंबर्स को सबट्रैक्ट करना है. क्योंकि डिफरेंस कब निकलता है? जब हम टू नंबर्स को सबट्रैक्ट करते हैं. जब हम बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर सबट्रैक्ट करते हैं, तो देन वी विल फाइंड द डिफरेंस. सो वट इज गिवन हेयर? 14 माइनस 13.5. कि 14 में से 13.5 क्या करना हमें? सबट्रैक्ट करना है. अब 13.5 यहाँ पे तो डेसिमल गिवन है, डेसिमल गिवन है, डेसिमल के बाद वन डिजिट है. यहाँ डेसिमल गिवन नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? 14 पॉइंट लाइक बनाने के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे? जीरो. डेसिमल के बाद वन डिजिट यहाँ भी लिखेंगे. नेक्स्ट क्या है हमारा? 13.5 क्या करनी है हमें? सब्ट्रैक्शन. क्या करनी है बेटा हमें? सब्ट्रैक्शन करनी है. सो क्या हम जीरो में से 5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. सो व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे हम? वी विल टेक द बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट प्लेस. नेक्स्ट प्लेस से हम बोरो लेंगे 4 से. और 4 से अगर हम बोरो लेंगे तो 4 क्या बन जाएगा? 3. और 0 क्या बन जाएगा? 10. 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो व्हाट विल कम? 5. फिर डेसिमल है, 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 0, 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 0. तो विच आंसर वी विल गोट? 0.5. आंसर क्या है हमारा? 0.5 आंसर. ओके, क्योंकि यहाँ आप कितनी भी जीरो लगाओ उनकी कोई वैल्यू नहीं है. सो वन टाइम जीरो लगाओ या टू टाइम जीरो लगाओ, एनी टाइम्स यू हैव टू पुट द जीरो. आंसर इज 0.5. नेक्स्ट 19.79, 12.50. तो इजी है. यहाँ भी डेसिमल के बाद टू डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद टू डिजिट्स है. सो दिस पार्ट यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ. नेक्स्ट है 21.318 और -8.567. यहाँ भी डेसिमल के बाद थ्री डिजिट्स हैं, यहाँ भी डेसिमल के बाद थ्री डिजिट्स हैं. सो दिस पार्ट ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ. नेक्स्ट पार्ट में है 34.009 -9.805. डेसिमल्स तो यहाँ डेसिमल के बाद यहाँ भी थ्री डिजिट्स हैं, बट यहाँ जीरोज गिवन है. सो आई विल सॉल्व दिस पार्ट. 34.009 माइनस करना है 9.805. सबट्रैक्ट. डेसिमल के साथ आपका डेसिमल मैच करना चाहिए और डिजिट्स के नीचे डिजिट्स लिखोगे आप. 5 सबट्रैक्ट फ्रॉम 9, 9 में से 5 सबट्रैक्ट किए तो 4. 0 सबट्रैक्ट फ्रॉम 0, 0. 8 सबट्रैक्ट फ्रॉम 0, नॉट पॉसिबल, टेक द बोरो. 3 10, 10 में से 8 सबट्रैक्ट किए 2. 3 में से अगेन 9 सबट्रैक्ट नहीं होगा, टेक द बोरो 2. एंड 13, 13 में से 9 सबट्रैक्ट किए 4 बेटा, और नेक्स्ट क्या है? 2. तो विच आंसर वी विल बी गॉट? 24.204. विच आंसर गॉट? 24.204. नेक्स्ट में क्या है? 100.08. यहाँ भी डेसिमल के बाद टू डिजिट्स हैं. और नेक्स्ट नंबर में 56.32 और यहाँ थ्री डिजिट्स की हैं. सो डोंट वेरी. 2 सबट्रैक्ट फ्रॉम 8, 8 में से 2 सबट्रैक्ट किए तो क्या आएगा? 6. 0 में से 3 सबट्रैक्ट नहीं होगा, फिर बोरो लेंगे हम. यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है. इस 1 से बोरो लिया, क्या बन गया ये? 0. ये क्या बन गया? 10. अब इसने इसको बोरो दिया, ये बना 10 और ये बन गया 9. अब इसने ये नेक्स्ट को बोरो देगा तो ये 0 क्या, 10 क्या बन जाएगा? 9. और ये 10 0 क्या बनेगा? 10. ओके, क्योंकि बोरो यहाँ 1 से आया तो इसने इसको दिया, ये 10 बना. फिर इसने इसको 1 दिया तो ये 9 बना. फिर इसने 10, ये 10 बन गया तो इसने इसको दिया तो ये 9 बना. और 10 कौन बना? लास्ट. 10 में से 3 सबट्रैक्ट किए 7. 9 में से 6 सबट्रैक्ट किए 3. 9 में से 5 5 सबट्रैक्ट फ्रॉम 9 4 एंड 0. तो विच आंसर वी गॉट? 43.76. लास्ट पार्ट है बेटा. यहाँ डेसिमल के बाद टू डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद थ्री डिजिट्स हैं. 165.07 78.934. अब यहाँ तो टू डिजिट्स हैं, यहाँ थ्री डिजिट्स हैं, तो वहाँ थर्ड प्लेस पे हम क्या लगा देंगे?
0. Now what we have do? Subtraction. अब क्या 0 में से 4 subtract होगा? नहीं होगा. नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? बोरो लेंगे. और 0 क्या बन जाएगा? 10. और 7 क्या बन जाएगा? 6. 4 subtract from 10? 6. 3 subtract from 6? 3. 0 में से 9 फिर subtract नहीं होगा, फिर बोरो लेंगे. 5 क्या बनेगा? 4. और 0 क्या बनेगा? 10. 10 में से 9 subtract किए? 1. Decimal. अब 4 में से 8 subtract नहीं हुआ, फिर बोरो लिया. ये 5 बना, ये 14. 14 में से 8 subtract किया तो 6. 5 में से 7 subtract नहीं हुआ, बोरो लिया. 15. 15 में से 7 subtract किया, 8. तो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो व्हाट्स द होमवर्क टुडे? यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इन योर फेयर नोटबुक बेटा. ओके बेटा, थैंक यू.